आप अपना नाम और ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए। मेरा नाम राहुल चौहान है और मैं अखिल बंजारा मित्र मंडल का अध्यक्ष हूँ एरोड़ा पुणे में, और मैं बहुजन एकता परिषद का संगठन का कार्यकर्ता हूँ और उस संगठन में मैं काम करता हूँ सोशल वर्कर। आप बंजारा कम्युनिटी के साथ काम करता हूँ मैडम। तो आप अभी प्रेजेंट टाइम में, अभी के टाइम पे बंजारा कम्युनिटीज़ के क्या इश्यूज़ है और ये जो गवर्नमेंट है वो उस गवर्नमेंट के साथ क्या इश्यूज़ है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ठीक है मैडम, ये जो गवर्नमेंट है ना मैडम, हमारे समाज में लगभग 80% लोग बेघरी काम करते हैं और काफ़ी सारे मतलब ऐसे बेघरी जो गरीब काफ़ी गरीब गरीब इसके जो बच्चे लोग हैं ना मैडम, उनको कुछ काम नहीं है, व्यवसाय नहीं है, उनके पास कुछ चारा ही नहीं काम करना, तो ज़्यादातर बच्चे लोग ने काम नहीं होने के कारण दारू पीना, व्यसन, उनको काफ़ी सारे गांजा सिगरेट्स, उसमें काफ़ी सारे बच्चे लोग इन्वॉल्व हुए। कम से कम मैडम हमारे जो बच्चे हैं 50% जो बच्चे हैं यही कम्युनिटी में चले, मतलब यही इसमें चले गए कि दारू पीने में, और 15-20 साल के बच्चे लोग दारू पीते हैं मैडम, और इतनी बुरी अवस्था है हमारा बंजारा समाजों का बच्चे लोग, और 30-40 साल तक तो उनकी डेथ भी हो जाती है, और हमारे में तो काफ़ी सारे मैडम 30% तो औरत तो विधवा हो चुकी है मैडम, इतनी काफ़ी उनके पति मर गए पी के, इतनी मतलब ये अवस्था है। तो मैंने किशोर सर हमारे जो बहुजन एकता परिषद के अध्यक्ष हैं किशोर कांबड़े और सिद्धार्थ भाव दिवे, उनके जरिए मैं हमारे समाज में समाज सुधार करता हूँ मैडम, बच्चे लोग को हमको व्यसन मुक्त करना है, दारू मुक्त सब ये करना है, तो ये काम में मैं ये संगठन के साथ जुड़ा हुआ हूँ मैडम। तो अभी आप जिस तरह का काम कर रहे हैं और आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो पॉलिटिक्स है, आइडियोलॉजी है, वो येलगार के साथ किस तरह से मिलता है मैडम? येलगार के साथ कैसा है ना मैडम कि अभी तक हमारे जो लोगों को पढ़े लिखे तो नहीं है, प्लस उनको ये पता नहीं है कि येलगार क्या है, तो जो हमारा बहुजन एकता परिषद का जो सभा है मंडल, हम उनके जरिए लोगों को बता रहे हैं कि जो घर घर जाके कि हमें जो भी गवर्नमेंट ये देती है हमारे सहूलत जो भी रहता है सरकार में, कि हमारे बंजारा समाज को कितनी फैसिलिटी है क्या है, वो हम तक आता ही नहीं है, मतलब लोगों के पास आता नहीं है और उनको कुछ भी सुविधा मिलती नहीं है, हॉस्पिटल का हुआ, बच्चे लोग का शिक्षण का, हमारे बच्चे लोग इतने मतलब बच्चे लोग हैं मैडम, आज जा कोई भी बंजारा कोई भी तांडे, एक हमारा तांडा होता है मैडम, वो तांडे में हम इतने सारे, इतनी बुरी अवस्था है ना मैडम, आज तो कोई हमको पूछने आता नहीं हमारे समाज में कि क्या चल रहा है क्या नहीं, बच्चे लोग का एजुकेशन ज़ीरो है मैडम, आज मतलब 10-12 साल के बच्चे लोग के हाथ में दारू सिगरेट, तो उसकी वजह से मैडम हम क्या है ना, या बहुजन एकता परिषद के साथ हम इसे आगे ले जाने वाले इंटरनेशनल लेवल पे, और इस सरकार से जवाब पूछना चाहते हैं कि वाकई हमें इतनी सारी सहूलत दिए है और वाकई हमारे पास मतलब हमको आती ही नहीं, कुछ सहूलत मिलती ही नहीं है, पूछने जाओ तो भी हमको धक्के खाने पड़ते हैं कॉरपोरेशन के, इतने हमको चक्कर मतलब घूम घूम के परेशान होके, बाकी वो कुछ मिलता ही नहीं मैडम हमारे लिए मैडम। तो आपके लिए येलगार का मतलब क्या है, येलगार परिषद का मतलब हमारे लिए एक उम्मीद है मैडम, कि हमारे लिए कुछ, हमारे जो समाज के लिए एक बोलते हैं ना मैडम एक उजाला, कि इससे कुछ हमें उम्मीद है येलगार से कि हमारे समाज के लिए हमें कुछ फैसिलिटी मिलेंगी, हमारे बच्चे जो आने वाली पीढ़ी है हमारे लिए, उनके लिए शिक्षक, अच्छे शिक्षण, अच्छे पढ़ाई हमें चाहिए, और बच्चे लोग को काम चाहिए, मेन तो हमें काम ही नहीं बिल्कुल, हमारे पुणे में भी हमें तो इतना ये है ना मैडम, आज पूरा काम बंद हुआ है, हमको येलगार की तरफ से काम और हमको शिक्षण और हमारे अच्छी नौकरी चाहिए, ये हमको येलगार की तरफ से हमारी उम्मीद है मैडम। आपका ऑर्गेनाइजेशन के ये पहली बार येलगार के साथ आ रहा है कि 2017 में भी था? 2017 में भी हमारा हाँ। ये था मैडम। तो इतना कुछ होने के बाद भी आप येलगार के साथ रहना चाहते हैं? बहुत कुछ मैडम, हुआ है। ऑफ कोर्स मैडम, रहना ही चाहिए मैडम, और मैं यही करूँगा, कहूँगा सब बंजारा समाज को हमारे कि हमें सब एकजुट होना चाहिए और इस सरकार से हमारी हक की
लड़ाई हमको करना पड़ेगा, हमको पूछना पड़ेगा हमारा हक क्या पे है। हम इस देश में तो रहते लेकिन हमारा नाम है सिर्फ बंजारा समाज, कि हम बंजारा समाज भी है लेकिन हमें कुछ नहीं, मतलब हमको कुछ सहूलत ही नहीं है। तो हमें हक है कि सरकार से पूछने के लिए कि हमारा हक कहाँ पे हमें दो।